पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वारा, छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार, हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार, छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। तन्हा तन्हा हम थे प्रभु, आने से पहले तेरे पास, छोड़ेंगे ना साथ तेरा, दिल से निकले ये आवाज, बैरागी जीवन बन गए कमल समान, छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। हम शांति। 16वीं शताब्दी, एक व्यक्ति संत कबीर के बारे में बहुत सुनता है और चाहता है कि मैं उनसे मिलूं, और वो उनके घर पहुंचता है मिलने, और घर पहुंचने के बाद पता चलता है वो तो है नहीं, कहीं बाहर गए हैं। वो पूछता है कहां गए हैं, तो कोई बताता है कि किसी का देहांत हुआ है तो वो शमशान घाट गए, आपको वो वहां मिलेंगे। पर वो कहता है मैंने उनको कभी देखा नहीं, मैं उनको पहचानूंगा कैसे। तो वो कहते हैं वो टोपी पहनते हैं और टोपी में एक पंख, देखा होगा ना कबीर का चित्र, टोपी और एक पंख होता है। अच्छा, तो वो वहां जाता है तो देखता है सभी लोगों ने टोपी पहनी हुई है और सभी के पंख है, तो पहचानू कैसे। चिता है, जल रही है और इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, पर सभी ने टोपी पहनी और सभी के पंख है टोपी में लगे हुए। तो सोचते हैं अभी कैसे जानूं। फिर धीरे धीरे सभा कम कम होने लगती है, कुछ लोग निकल पड़ते और जैसे निकल जाते हैं उनका पंख गिर जाता है, कुछ और निकलने लगते फिर उनका पंख गिरता है। ऐसे करते करते लोग वहां से हटते जाते हैं और जैसे जैसे थोड़ी दूरी पर जाते हैं उनके पंख गिरने लगते हैं। एक ही व्यक्ति होता है जो वहां से जाता है और लास्ट तक जाते रहता है पर उसका पंख नहीं गिरता। तो वो पूछता है क्या यही कबीर है, तो कोई कहता है यही कबीर है। बाकी जितने लोग थे जैसे जैसे हटते गए वहां से, कोई दो कदम गया पंख गिर गया, कोई चार कदम गया पंख गिर गया, पर यह एक ही था कि जिसका पंख नहीं गिरा। क्यों? कौन सा पंख था ये? इसको कथाकार कहते हैं कि वो पंख कोई साधारण पंख नहीं था, वो स्थूल पंख नहीं था। बाकी जो सब लोग थे उनके जो पंख थे गिर गए,
और ये एकमात्र व्यक्ति था जिसका पंख नहीं गिरा, क्योंकि वो पंख वैराग का पंख था। उसकी विचारधारा जो थी, उसकी जो थॉट प्रोसेस थी, उसका जो मेंटल डिटैचमेंट था, उसको परिलक्षित कर रहा था। सिंबॉलिक ऑफ मेंटल स्टेट था वो। उसकी जो आंतरिक दशा दिशा थी मन की, उसको दर्शाती थी था वो पंख। तो इसलिए वो पंख गिरा नहीं, क्योंकि उसका वैराग सच्चा था। वैराग एक ऐसा विषय है कि जिस पर बहुत समय से हमने चर्चा नहीं की है, और बहुत कम चर्चा होती है इस विषय में। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वैराग से वैराग आ गया कि ये जो वैराग्य है, क्या किया जाए जो ये वैराग आ जाए। क्योंकि देखा गया है कि आत्माएं सब कुछ कर रही है, अमृत वेला पावरफुल, फिर मुरली का चिंतन, फिर याद में भोजन, फिर सेवाओं में दिन रात लगी हुई है, ट्रैफिक कंट्रोल, पर सब कुछ करने के बाद में स्पीड जो है प्रोग्रेस की, जो गति होनी चाहिए अध्यात्म में उन्नति की, वो कम है। और उसका केवल एक ही कारण है, वैराग की कमी है। क्योंकि आत्मा कहीं ना कहीं राग में फंसी हुई है, और जितना गहरा राग उतनी अध्यात्म में उन्नति कम, जितने मोहबंधन ज्यादा उतनी उन्नति कम। और इस मार्ग में जो एकदम तेजी से उन्नति करना चाहते हैं, एकदम फास्ट ट्रैक, बहुत तेज बहुत फास्ट, उनको उतना डेप्थ वैराग की उनमें होनी चाहिए, उतनी तीव्रता होनी चाहिए, उतना इंटेंस वैराग होना चाहिए। मोहजीत राजा की कहानी, कितना मोहजीत थे सारे परिवार, ये मर गया वो मर गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी के रहने से जाने से मरने से होने से ना होने से, किसी के आने की बहुत खुशी नहीं, किसी के जाने का गम नहीं, ऐसी मोहजीत अवस्था। तो वैराग एक होता है मंद वैराग, एक होता है मध्यम वैराग, और एक होता है तीव्र वैराग। मध्यम वैराग से भी काम नहीं होगा। वर्तमान समय हमें वैराग है वो मध्यम है या मंद वाला है, तीव्र नहीं है। वैराग दो प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार, एक है कारण वैराग, एक है विवेक वैराग। कारण अर्थात किसी के पति है, पत्नी मर गई, एकदम ही वैराग आ गया सबसे, अब क्या है, वही नहीं रही तो क्या है, जिससे इतना प्यार था वो ही चली गई, अब क्या इंटरेस्ट ही नहीं रहा, अब एकदम से वैराग। ये है कारण वैराग, कोई कारण है जिसने वैराग दिलाया, पर ये वैराग लंबा समय नहीं टिकता है। जैसे रामायण में दिखाया है सुग्रीव, उसका भाई मर जाता है बाली, और वो खुद ही राम जी के साथ में प्लॉट करके उसको मारता है। और जैसे इस बाली मरता है और सुग्रीव के गोदी में है उसका अपना भाई, उसी ने मारा, वो इतना रोता है, इतना रोता है, कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। राम जी कहते हैं अब किष्किंधा का राज तुम्हारा, वो कहता है मैं ऐसे राज को लेके क्या करूं, मेरा भाई मर गया, माना कि वो बहुत बुरा था, माना कि उसने मुझे निकाल दिया था राज से, मेरी पत्नी चुरा ली थी, परंतु था तो मेरा भाई ना। एकदम से वैराग आ जाता है, इतना वैराग कि बस कुछ नहीं, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए। मैं कहता है मैं जा रहा हूं संन्यास लेने हिमालय पर्वत। राम जी फिर उसको डिवाइन इंटरवेंशन, इधर उधर की बातें, साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग, स्पिरिचुअल काउंसिलिंग, सब कुछ करके उसको मनाते हैं, तो तब कहीं जाके मानता है, और बहुत ही अनिच्छा से, बिल्कुल इच्छा नहीं है, अपना राज्य करने लगता है। और राज्य ऐसा करता है कि ऐसा भोग विलास में डूब जाता है कि भूल ही जाता है राम जी का भी कोई काम करना है क्योंकि बारिश चालू होती है तो 3 मास तो ठीक है,
वो कहता है जैसे ही 3 मास पूरे हो जाएंगे मैं अपने बंदरों को भेजूंगा। वो सब भूल जाता है और इतना राग रंग में डूब जाता है कुछ याद नहीं रहता है उसको। तो फिर तो लक्ष्मण थोड़ी तो मानने वाला है, सीधा चले जाता है आक्रमण करने कि भूल गए तुमने वादा खिलाफी की, वादा किया था कॉल नहीं निभाया। तो शमशान ही वैराग है, कोई मर गया एकदम से वैराग, कुछ अच्छा नहीं लगता और बाद में मोह पकड़ लेता है, ये कारण वैराग है। ऐसा वैराग लंबा समय नहीं टिकता है। दूसरा है विवेक वैराग, विवेक जनित वैराग, जिसने हमने सोचा है कोई कमी नहीं है परंतु फिर भी वैराग है, सब सुविधाएं हैं, बहुत पैसे हैं, फिर भी वैराग है क्योंकि चीजों की व्यर्थता को तीसरी आंख से देख लिया कि सब व्यर्थ है, कुछ भी काम का नहीं है। ये है विवेक वाला वैराग। जिस आत्मा को विवेक के आधार से वैराग आता है वो वैराग लंबा समय टिकता है। एक व्यक्ति है, उसको किसी से प्यार किया, उसने धोखा दे दिया, एकदम से वैराग, सब अब किससे प्यार नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद कोई दूसरी मिल जाती है अच्छी दोस्त, उससे प्यार हो जाता है, फिर वो धोखा देती है, वो कहता है ये भी वैसी ही निकली, फिर तीसरी मिलती है, हाँ ये ठीक है, पहले दो जैसी नहीं है, वो पहले दो में जो दोष थे इसमें बिल्कुल नहीं है, पर इसमें नए दोष है कुछ जो इसने सोचे भी नहीं थे। उससे वैराग, वैराग अर्थात सभी स्त्रियों से वैराग, वैराग अर्थात सभी पुरुषों से वैराग, एक पुरुष या एक स्त्री से नहीं, वो वैराग सच्चा है। नहीं तो एक को पकड़ोगे दूसरों को, एक को छोड़ोगे दूसरों को पकड़ोगे, व्यक्ति यही करते रहता है। जैसे वो अर्थी जाती है ना तो कंधा बदलते रहते हैं, इधर इधर भारी हो गया थोड़ी देर में इधर, फिर वो भारी हो गया फिर थोड़ी देर में इधर, व्यक्ति वैसे कंधा बदलते रहते हैं। ये दो वैराग, वैराग और दो प्रकार के है, एक है शाश्वत वैराग परमानेंट, एक है मरकट या शमशानी वैराग। शमशान में जाओ चिता जल रही, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, सब कुछ खत्म, मेरे पास क्या है, क्या लेके आए थे और क्या है, कुछ तो नहीं है मेरा, सब व्यर्थ है, सब मोह माया है। और जैसे निकले वहां से और हलवा ब्रह्मा भोजन खाया और मित्र परिवार संबंधियों को देखा, सब खदास, वैराग से वैराग। ये दो प्रकार वैराग के। तो वैराग क्या करे जिससे वैराग आ जाए, क्योंकि जैसे कहा बिना वैराग के अध्यात्म में उन्नति नहीं हो सकती, और वैराग का संबंध चीजों के होने ना होने से नहीं है। हो सकता है बहुत गरीब व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है पर सबसे ज्यादा राग उसमें है, हो सकता है कोई महलों में रहता है हजारों लाखों में खेलता है और सबसे बड़ा वैरागी वही है। वैराग का संबंध क्या पहन रहे, कहां रह रहे, पैसा, यह सबसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैराग का संबंध मन की अनासक्त वृत्ति से है। सब कुछ होते हुए भी अनासक्त है, जरा भी राग नहीं है किसी में, आज सब कुछ है कल सब छिन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको प्रयोग कर रहे, यूज कर रहे, कल सब कुछ हटा दिया जाए व्यक्ति वैसा के वैसा ही है। तो वैराग इंग्लिश में शब्द है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस पता है अष्टबाहु, वैसे इंद्रिय सुख की अष्टबाहु पकड़ है तो वैराग का भी एक अष्टबाहु है। तो ऐसी 8 पावरफुल विधियां है जिससे एकदम धधकता वैराग जाग उठेगा, और जब तक वो वैराग नहीं तब तक आगे हम बढ़ नहीं सकते बहुत। और वैराग का संबंध कुछ कपड़े विपड़े पहनने से नहीं है, भगवे वस्त्र पहन लिए नागा और भस्म रमा ली और कुछ कर लिया और वैराग हो गया, ऐसे से वैराग नहीं होता है। वैराग तो जहां है जैसे है जिस परिस्थिति में है वही सब करते हुए मन ही हट जाए, जैसे कोई ब्राह्मण आत्मा को
कोई हलवाई की दुकान में बिठा दो तो उसको खाने की इच्छा होती है क्या? कुछ नहीं होती है उसका, वो नेचुरल वैराग्य है, उसको कुछ नहीं खाना है। बाहर मार्केट से गुजरता है, घूमता है, इतनी सुगंध आ रही है खाने पीने की, इच्छा होती है ये खा लूं? बिल्कुल नहीं होती है, वो नेचुरल वैराग है। वैराग वैसे ही नेचुरल अवस्था हो तो वैराग के अष्टभाव सबसे पहला है स्वाध्याय। एस फर्स्ट एस है स्वाध्याय, अर्थात वैराग पूर्ण लिटरेचर पढ़ना है, वो स्वाध्याय वो किताबें पढ़नी है जिससे वैराग जागे। ऐसी चीजों को पढ़ना है, देखना है कि जिससे मन में एकदम वैराग आ जाए। जैसे कि वैराग के क्या क्या फायदे हैं वो पढ़ना, जैसे कि वैराग कैसे लाए इस टॉपिक को पढ़ना, जैसे कि वैराग कैसे आए इसको सुनना, वैराग के विषय में लोगों ने क्या क्या कहा है। स्वाध्याय स्टडी ऑफ लिटरेचर, वैराग लिटरेचर जो है, और भक्ति मार्ग में बहुत सारा लिटरेचर है। सबसे बड़ी किताब तो वो है भरतरी वैराग शतकम। कल गोपीचंद का वर्णन आया था ना, परसों, राजा गोपीचंद, गोपीचंद और उसका भाई वो भरतरी जिसने ये किताब लिखी शायद। तो वैराग वाला लिटरेचर पढ़ना है। भक्ति में भी बहुत सारा लिटरेचर है वैराग का, ज्ञान में भी बहुत सारा लिटरेचर है, ज्ञान में कम है। तो एक तो बुक है भरतरी वैराग शतकम, किताब नहीं है ऐसी कोई, पर लिटरेचर इधर उधर आते रहता है, तो वो सारा पढ़ना है वैराग के बारे में। राग से मुक्ति कैसे हो, ये टॉपिक से, राग किन किन चीजों में, राग में दोष क्या है, इस तरह की चिंतन अगर करेंगे तो धीरे धीरे मन में वैराग उठेगा। दूसरा है सेंशुअल प्लेजर्स जो है उसके डिफेक्ट्स, ये बहुत पावरफुल पॉइंट्स है। इसमें आठ शक्तिशाली पॉइंट्स है, इंद्रिय सुखों की आठ दोष है। जो भी इंद्रिय सुख है, खाना, काम, सुख सुविधाएं, या जिससे कंफर्ट सुख मिलता है, इंद्रियों का सुख मिलता है, आंखों से कुछ देखा, कानों से कुछ सुना, नाक से कुछ सूंघा, हाथ से किसी को स्पर्श किया, ये सारे जो है इंद्रियों के सुख है। इन सुखों में ये उनके दोष का चिंतन करना है, सेंशुअल प्लेजर्स डिफेक्ट। सेकंड एस है सेंशुअल प्लेजर्स डिफेक्ट, और क्या क्या दोष है इंद्रिय सुखों में, इसमें और आठ दोष है। और ये आठ दोष तो ऐसे है कि अपने क्या कहते हैं डायरी में लिख के रखने, या अपना आईना जो है ना वहां चिपका के रखना है ताकि रोज देख रहूं उसको, क्या क्या इंद्रिय सुखों में दोष है। ज्ञान सरोवर में एक स्लोगन लिखा है, इंद्रियों का आकर्षण ही सब दुखों का कारण है। इधर भी है ये वाला, शायद इधर अंदर लगा है। सबसे पहला दोष है स्लेवरी, अटैचमेंट या मेंटल स्लेवरी। इंद्रिय सुख क्या करते हैं, गुलाम बना देते हैं। आज एक चीज खाओ ऐसा लगता है फिर वो मिल जाए, थोड़ी सी बचा के रखो, फिर खाऊं, फिर खाऊं। आज एक सुख भोगा ऐसा लगता है फिर वो मिले, स्लेवरी है उसमें, एक गुलामी है, मेंटल स्लेवरी, मानसिक दासता है। इंद्रिय सुख, कोई भी इंद्रिय सुख, किसी को हाथ लगाया, बार बार हाथ लगाने की इच्छा होती है। मुरलियों में आता है ना, फागी पहनूं, ये दिखा, ये दिखी, इसको फागी पहनूं। टच, भागी, सॉरी, भागी सिंधी वर्ड है, सिंधी वर्ड है इसलिए। तो भाकी पहनूं, इसको ये करूं, उसको वो करूं, इसको हाथ लगाऊं, ये खाऊं, ये जो इसमें ना दास्ता है। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो काम पूरा हो गया, वहां नहीं रुकता है वो, वहां से स्टार्ट हुआ है, अगला फिर चाहिए। स्लेव, एक गुलाम जैसे बन जाता है व्यक्ति, एक गुलामी का जीवन है, इंद्रियों की दास्ता,
इंद्रियों का मालिक नहीं है वो, इंद्रियां उसे चलाती है, इंद्रियों के वश वो रहता है। दूसरा दोष है बहुत कम सुख है, बहुत कम सुख में बहुत ज्यादा दुख समाया हुआ रहता है। इंद्रियों के जो भी सुख है उसमें सुख कम है और दुख ज्यादा है, मिक्स्ड है वो। हर इंद्रिय सुख अपने साथ दुख लेकर आता है। अ मोल ऑफ हैप्पीनेस माउंटेन ऑफ सॉरो, ऐसा इसको कहा जाता है। इतना अगर सुख मिलता है कुछ खाने से, इतना उसके साथ दुख भी समाया हुआ है। किसी को हाथ लगाने से इतना यदि सुख मिला तो उसके साथ इतना दुख है फिर, चाहे किसी भी इंद्रियों का सुख हो, रसेंद्रिया जनेंद्रिया कर्ण रस आंखों का रस। एक बार कोई चीज देखी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगी, वो थोड़े सुख के साथ बहुत बड़ा दुख है, फिर जुदाई है। तो बहुत कम सुख के साथ बहुत ज्यादा दुख मिक्स्ड है, ये इंद्रिय सुखों का दोष है, इसको समझना है। तीसरा है क्रेविंग। क्रेविंग अर्थात तलब। जैसे बीड़ी पीने वाले को क्या होता है, आधी रात को तलब होती है, बेचारा जब एडमिट हो जाते हैं 3 दिन कुछ भी नहीं मिलता है हॉस्पिटल में, तो बेचैन हो जाते हैं, बाथरूम में जा जाके कुछ ना कुछ करते हैं, छुप छुप के कुछ ना कुछ करते हैं। हर इंद्रिय सुख के साथ क्रेविंग जुड़ी हुई है। क्रेविंग अर्थात तलब, तेविंग अर्थात इंटेंस रेस्टलेसनेस, बहुत बेचैनी होती है उसमें, इतनी बेचैनी होती है, इतनी बेचैनी होती है कि व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है, वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता है उसको, ज्ञान योग सब एक तरफ रह जाता है, इतनी भयंकर बेचैनी होती है कि वो चाहिए। वो व्यक्ति हो सकता है, वो स्पर्श हो सकता है, वो कुछ सुनना हो सकता है, कुछ देखना हो सकता है, वो काम हो सकता है, वो कुछ खाना हो सकता है। खाने की क्रेविंग, किसी को चॉकलेट ही खाना है भोजन के बाद, या मीठा खाना अच्छा लगता है, भोजन हो गया अब मीठा खाओ, नहीं दो उसको, ढूंढेगा हर चीज, ढूंढेगा कमरे में जो कुछ है वो डब्बे खोजेगा जहां पर कभी हाथ भी नहीं लगाया था पहले, उसमें कुछ तो मिल जाए, कोई ड्रॉवर में कुछ मिल जाए, और नहीं अगर मिला तो बाहर जाएगा कहीं बाजू के कमरे में, खाए क्या कुछ, शक्कर ही मिल जाए तो भी ठीक है, ढूंढेगा एकदम पागल हो जैसा, उसको चाहिए, और अगली बार से देखेगा कमरे में कुछ ना कुछ रहना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करेगा। क्रेविंग हो तो क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी दूसरा क्लास होगा। जब क्रेविंग हो तो क्या करना चाहिए, तटस्थ होकर देखते रहना चाहिए, साक्षी होकर। खुजली हो रही है यहां, हाथ कह रहा है खुजाऊ, नहीं खुजाऊ, देखो उसको क्या होता है, देखो देखता हूं क्या होता है, कितना भी खुजली होने दे, नहीं खुजाऊंगा। क्रेविंग उसी खुजली की तरह है, इधर खुजली हो रही है, क्योंकि खुजली करने के बाद खून निकलता है, और खून निकलने के बाद और खुजली करने की इच्छा होती है। हर इच्छा हर तृष्णा खुजली की जैसा है, कितना भी खुजली करो, खुजली करो, खुजली करो, खुजली करो, अच्छा लगता है, खुजा देखो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, बहुत क्रेविंग जुड़ी हुई है इंद्रिय सुखों के साथ, और क्रेविंग से मुक्त होना है तो इंद्रिय सुखों से ही मुक्त हो जाओ। इंद्रिय सुख हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य अतिंद्रिय सुख है, और अतिंद्रिय सुख में के सागर में इंद्रिय सुख तो एक बूंद है, कुछ भी नहीं है ये इंद्रिय सुख, तो इतना बड़ा अतिंद्रिय सुख का सागर है। क्रेविंग, इस क्रेविंग को जीतना है, और क्रेविंग को जीतने की विधि है ये समझ लेना, क्रेविंग हमेशा टेम्पररी है, थोड़े देर के लिए आई और चली जाएगी, ज्यादा समय नहीं टिकेगी क्रेविंग, थोड़े ही समय के लिए। ये अपने मन में विश्वास रखना है, अभी इच्छा हुई ना, अभी कुछ खाने की इच्छा हो रही है, बिल्कुल अभी अभी खा लूं, छोड़ दो उसको, कुछ और ले लो, पानी पी लो बहुत सारा, मेरी खाने की इच्छा ही खत्म, वो चीज खाने की इच्छा, क्रेविंग हुई ना, दूसरी क्रेविंग
वो तो चाहिए, इतना जल्दी नहीं होगा। तो ये जो इंद्रिय सुख है उसमें भयंकर क्रेविंग है। अगला इंद्रिय सुखों का दोष है डिसेप्टिव है, डिसेप्टिव अर्थात धोखेबाज है, या कहो इल्यूजरी है, भ्रामक है, या कहो इमेजिनरी है। जितने इंद्रिय सुख है काल्पनिक है, जितने इंद्रिय सुख है डिसेप्टिव है, और जितने इंद्रिय सुख है वो इल्यूजरी है, भ्रामक है, भ्रांति उत्पन्न करने वाले। ऐसा लगता है उसमें सुख मिलेगा व्यक्ति को। काम महाशत्रु है, मुरलियों में आया है, व्यक्ति को लगता है उसमें बहुत सुख है पर हमेशा धोखा खाता है, उसमें उसके वो नहीं मिल पाता जो उसको चाहिए था, पर कल्पना करता है वो मिलेगा पर नहीं मिलता है, धोखा हो जाता है उसमें। अगला दोष है इंद्रिय सुखों का, हर इंद्रिय सुख में एक प्रकार से टेम्पररी है वो, जिसको कहते हैं फ्लिटिंग। फ्लिटिंग अर्थात क्षणिक है, अभी अभी है, अभी भी चला गया, कितना देर को खुशी मिली, कुछ खाया, यहां तक जाते समय तक खुश है, यहां से जाने के बाद गया। किसी को यहां से वो राइस चिप डालते हैं, यहां से पेट में नली डालते, उसको कुछ पता चलता है कि आइसक्रीम खिलाऊं यहां की नली से, मजा आएगा उसको, खाना तो जा रहा है पूरा फुल। टेम्पररी है, ये जान लेना है कि इंद्रियों के सारे सुख कैसे हैं, क्षणिक क्षणभंगुर है, अभी अभी है, अभी अभी गए। उसके बाद में सभी इंद्रियों सुखों में एग्जर्शन है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वीकनेस है, और छोटे मोटे पाप भी हो जाते हैं इंद्रिय सुखों से, कमजोरी आती है, इतनी थकान आती है, इतना स्ट्रगल है उसमें, संघर्ष भी है, एग्जर्शन करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंद्रिय सुखों के लिए, प्लानिंग करनी पड़ती है बैठ के, कैसे मिलूं उसको, उस व्यक्ति को कहां मिलूं, प्लानिंग करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए, वो मिल नहीं रहा है भोजन, वो स्वीट वाली चीज किसके पास है, कहां जाऊं, अच्छा इसके पास है, इसके पास जाना पड़ेगा। गुलाम तो बोला ही, ये बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है इंद्रिय सुखों को पाने, ऐसे थोड़ी मिलते हैं इंद्रिय सुख, और इंद्रिय सुखों के लिए इतनी मेहनत है तो अतींद्रिय सुखों के लिए उससे कितनी मेहनत होनी चाहिए। उसके बाद में इंद्रिय सुख अगला है ज्ञान का शत्रु है, ज्ञान एनिमी। हमेशा अपने मन को समझाते रहना, ये सारे जो इंद्रियों के सुख है ज्ञान के शत्रु है। और लास्ट आठवां हैबिट फॉर्मिंग है, एडिक्शन क्रिएट करते हैं, आदत बन जाती है और आदत फिर खींचती रहती है, फिर कुछ नहीं कर सकते, आदत से मजबूर हो जाते, फोर्स ऑफ हैबिट। तो इंद्रिय सुखों में आठ दोष है, पहला बताया गुलाम बना देता है, दूसरा बताया सुख थोड़ा उसके साथ में दुख मिक्स्ड, तीसरा क्रेविंग तलब उत्पन्न होती है, चौथा धोखेबाज है, भ्रामक है और काल्पनिक है। तीनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, धोखेबाज, काल्पनिक, भ्रामक। काल्पनिक है, मन में है, केवल मन में सोचो तो बहुत सुख लगता है पर एक्चुअली अगर करो उतना सुख नहीं है, केवल कल्पना में बहुत सुख मिलता है, कल्पना में व्यक्ति सोचता है उसका हाथ पकड़ लिया बहुत अच्छा लग रहा है, और वास्तव में हाथ पकड़ लिया और उसने छोड़ा ही नहीं तो पुलिस को ही पकड़ना पड़ेगा, वो कहे मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हारा हाथ। तो कोई किसी का गले मिल लिया ठीक है, और एक घंटा गले ही मिलते रहे, पुलिस को बुलाना पड़ेगा छोड़ाने के लिए, वो कहे मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको, तो कल्पना में तो बहुत अच्छा लगा पर वो काल्पनिक है केवल, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में जब होता है तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है क्योंकि वो उतना नहीं पाया जितना सोचा था, इसलिए तो शादी करके लोग पछताते हैं क्योंकि पहले जो सोचा था बहुत ज्यादा सोचा था, बहुत अच्छा सोचा था दूसरों को देखकर, पर एक्चुअली पाया तो धोखा हो गया। तो इंद्रिय सुखों में क्या है, धोखा। अगला बहुत मेहनत करो, क्या क्या करना पड़ता है इंद्रिय सुखों के लिए तो करते हैं, इतना पैसा क्यों चाहिए, अतींद्रिय सुख के लिए तो बहुत कम पैसा चाहिए, इंद्रिय सुख के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, खर्चे। हाँ, उसके बाद में ज्ञान का ये शत्रु है, ये भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि इंद्रिय सुख ब्रह्म ज्ञान का शत्रु है, ये वाक्य आया है कई जगह पर शास्त्रों में,
इंद्रिय सुख ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का शत्रु है, तो इस ज्ञान का ये शत्रु है। उसके बाद में क्षणभंगुर, ये एक एक में तीन 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 चार चार पॉइंट्स डाली है हमने। उसके बाद में एडिक्शन या आदत क्रिएट कर देता है। अब अपने आप को देखना है मेरे इंद्रिय सुखों में कितना लिप्त हूं, तो ये सेकंड पॉइंट है वैराग्य की। पहली बताई थी स्वाध्याय, दूसरा बताया था इंद्रिय सुखों के दोष, सेंशुअल डिफेक्ट्स क्या है, प्लेजर्स के डिफेक्ट्स ढूंढना है, दोष दृष्टि क्या है। तीसरा है वैराग लाने के लिए ऐसे लोगों से मिलना जो बहुत वैरागी है, ऐसे लोगों के संग में रहना जिनके जीवन में नेचुरल वैराग है, क्योंकि वैराग सबसे ज्यादा संग से आता है। अगर ऐसे लोगों के साथ हम रहते हैं जो भोगी विलासी है, तो हम वैरागी होने के बाद में भी भोगी विलासी हो जाते हैं। एक व्यक्ति है जिसने कभी चाय भी नहीं पी आज तक, बचपन से चाय नहीं पिए, बिल्कुल चाय वगैरह कुछ नहीं, उसके दोस्त ऐसे बन जाते हैं जो दारू शराब सब कुछ बीड़ी बीड़ी सब कुछ करते, अपने आप वो भी चालू हो जाता है उसका अपने आप, जिसको बिल्कुल नफरत थी पर दोस्त ऐसा मिल गया कि उसके साथ सब कुछ करना चालू हो जाता है। फिर पहले नहीं इच्छा थी करने की पर वो खुद परवश हो जाता है फिर। तो इंद्रिय सुखों के वैराग के लिए क्या करना है, ऐसे और संग जो है, आप किसी व्यक्ति को एक दो दिन में नहीं जान सकते, एक दो हफ्ते में नहीं, एक दो साल में भी नहीं, लंबा समय उस व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है, तब उसकी इंटरनल मेंटल स्टेज समझ में आती है। तो ऐसे व्यक्तियों का संग करना जो नेचुरल वैरागी है, जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बहुत सारी चीजों में, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना है कि जिस चीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, ऐसा ये जो व्यक्ति है ना इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उसमें, पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट में जिसमें मुझे बहुत रस है इसको बिल्कुल रस नहीं है, मुझे बहुत ही मोबाइल का शौक है इसको देखता हूं, इसको बिल्कुल मोबाइल का कुछ खास शौक नहीं है, एक एक एस्पेक्ट ले लिया उसका, उस बात के लिए संग करना, उसको पूछना हमको ये वस्तु खाने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, इसको तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, बाकी चीज खाता है पर वो चीज नहीं खाता, उस चीज से उसको वैराग है, वो संग करना। तो व्यक्ति, उसके बाद में चौथा है स्थान, स्थान कौन से स्थान है वैराग दिलाने वाले, कम से कम 14 स्थान बताओ। अच्छा पहला हॉस्पिटल, ठीक है हॉस्पिटल जाओ और वहां पे देखो हॉस्पिटल में कैसे मरीज चिल्ला रहे, बर्न वार्ड, डायलिसिस वार्ड, टीबी वार्ड, जनरल वार्ड, कैंसर पेशेंट्स, वो माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट्स, ये भालू काटने वाले, कितने भयंकर वैराग आता है ये सब देखकर, शरीर से वैराग आता है, ये है वो शरीर जला हुआ भुना हुआ बीमारी से ग्रस्त, बिल्कुल बदबू, कई कई शरीर पेशेंट्स के शरीरों से वो भी एक दूसरा स्थान है, बदबू आती है, इतना पस बह रहा है, ब्रेस्ट एब्सेस, पस ही पस निकल रहा है, फंगेटिंग ब्रेस्ट एब्सेस जिसमें से पस निकलता है और उसकी दूर दूर तक बदबू आती है, लोग जाना नहीं चाहते उसके पास, बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, मुंह बनाते हैं, उल्टियां हो रही है किसको या कुछ। एक हमारे पास, मुझे याद है हम एक हॉस्पिटल में थे तब वो पूरा महामारी डायरिया, वो पूरा वार्ड जो था ना पानी पानी था, वो स्टूल था लिक्विड वाटरी स्टूल, पूरे पेशेंट्स ही उसमें, एक बड़ा वार्ड और पानी ही पानी पूरा, वो पानी नहीं था स्टूल सैंपल था पूरा। वैराग, एक तो हॉस्पिटल, दूसरा शमशान घाट, रोज थोड़ा जाता रहना चाहिए, वीकली विजिट, चिताओं को जलते देखना है। तीसरा वृद्धाश्रम, कहां पर है वृद्धाश्रम पता है ना, जहां पर उनके बेटे रहते हैं उसी शहर में। चौथा अनाथ आश्रम, अनाथ बच्चे हैं बेचारे, माँ बाप नहीं है या थे छोड़ के चले गए, बच्चा मिला डस्टबिन में, बाबा को मुरलियों में आया था ना, कभी मिला होगा बाबा को बताया, बाबा वो बच्चा डस्टबिन में मिला, मुरलियों में आया, तुम भी डस्टबिन में पड़े थे, बाप ने तुमको आकर उठाया है। तो वृद्ध अनाथ आश्रम, उसके बाद में मॉर्चुरी, मॉर्चुरी मतलब वो जहां डेड शवाग्रह शवग्रह, उसमें जाके देखना है डेड बॉडी कैसी कड़क, राइगर मॉर्टिस
एकदम कड़क, कोई उसमें कुछ नहीं, खाली शरीर है एकदम। उसके बाद में झुग्गी झोपड़िया, जो गरीब झोपड़िया होती ना स्लम्स, कैसे रहते हैं लोग, एक ही कमरा है उसमें, बाजू में दूसरा, इधर दूसरा, इधर दूसरा, इतनी गंदगी है वहां पर। वैसे वो मुंबई में धारवी एरिया है, धारावी, गंदगी है वहां पूरा धारवी में, तो ये ऐसी एरिया स्लम्स। उसके बाद में ना, हाँ, नेचुरल कैलामिटीज जहां हुई है, जहां पर त्रासदी हुई है, वहां जाके देखो कैसे घर डूब गए, ये हो गया, पानी से बह गए लोग, वो एक। उसके बाद में वो पॉजिटिव स्थान में आएगा या निगेटिव स्थान, और जेल, जेल, पश्चाताप कर रहे हैं, गलती हो गई, 10 मिनट की गलती थी बस, अब पूरा जीवन जेल में, पूरी जवानी जेल में, क्या कर सकते हैं। उसके बाद में हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल, वो भी एक अलग टॉप है, मेंटल हॉस्पिटल में कैसे कुछ कुछ करते हैं वो। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार मेंटल हॉस्पिटल गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया था कभी, सत्य घटना है। तो वहां से उनको कहते हैं कि आज ही हमारा एक पागल जो है ना ठीक हो गया, ठीक होके आ रहा है, तो वो छूटता है उसका आज डिस्चार्ज, तो वो आके एकदम पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है आप कौन हो, वो कहता है मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं। तो कहता है 3 साल पहले मैं भी यही सोचता था, आप भी अंदर चले जाओ, अब मैं ठीक हो गया हूं, तो आप भी ठीक हो जाओगे। उसको भी था कि मैं ही नेहरू इसलिए तो एडमिट किया था, आज ठीक हो गया। वो कहता है आप भी हो जाओ मेरे जैसे, आप भी ठीक हो जाओ। तो जेल। उसके बाद में एक दूसरा पॉइंट भी आ सकता है, सुपर बाजार, संसार, ये सारे, वैसे इसको कितना लिया जाए पता नहीं, पर ये इतना सारा दिखावा, माया का भपका जो है ना, इससे देखकर भी वैराग आ जाता है। उल्टा भी हो सकता है, आकर्षण बढ़ भी सकता है इसके लिए, इसको लास्ट। तो ये हो गया निगेटिव स्थान, और पॉजिटिव स्थान कहां है, कौन से है जिससे वैराग आएगा? प्रकृति, मधुबन, सूक्ष्म वतन, परमधाम, स्वर्ग, और भक्ति के प्लेसेस, मंदिर, कोई तीर्थ स्थान, वहां पर भी जाओ तो भी, कई लोग कहते हैं ना हमारा सेंटर बहुत दूर है, सेंटर नहीं जाओ, फिर मंदिर में जाओ, वहां बैठ के ज्ञान चिंतन करो, एकांत में बाबा को याद करो मंदिर में बैठ के, वो भी तो अच्छा स्थान है। कोई भी तीर्थ स्थान, कोई भी प्रकृति का स्थान, ये सब पॉजिटिव स्थान है जहां जाके वैराग आता है, मधुबन जैसे सेंटर वैराग आता है। तो ये पॉजिटिव स्थान और निगेटिव, तो ये है स्थान, कहीं पे भी जाओ तो स्थान जिससे वैराग आएगा। उसके बाद में चौथा स्मरण, 4 चीजों का स्मरण करना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म में दुख है, जरा में दुख है, व्याधि में दुख है, मरण में दुख है, इसलिए वैराग आएगा। साक्षी होकर देखो कैसे बूढ़े होने के बाद क्या होता है, दांत नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता है, चश्मा टूट गया तो बेटा बना के नहीं देता है जल्दी, सुनाई नहीं देता, हियरिंग एड कॉस्टली है, स्टोन डेफ, दांत टूट गए, खाते नहीं आता है, चलने के लिए सहारा चाहिए, और हम एडमिट करो एकदम लास्ट बेड बाथरूम के पास वाला, कोई देखने नहीं आता है, बुढ़ापा दुख है, व्याधि बीमारी दुख है, जन्म दुख है। तो ये इन 4 चीजों का स्मरण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हे अर्जुन इन 4 चीजों का स्मरण कर और संसार से वैराग ला। तो ये 5, ये बाहर के, अभी ज्ञान मार्ग के 3, छठवा स्वदर्शन, स्वचिंतन, स्वदेश, स्वधाम, स्वधर्म, वो सारी स्व वाली, कितनी बातें हैं निखिलेश भाई? 7-8 मुरली है पूरी, 69 की एक कंप्लीट, ये स्व की सारी बातों का चिंतन करना। उसके बाद में स्मृति, स्मृति स्वरूप, अर्थात यहां बाप की याद की बात है। वैराग कैसे आएगा? परमात्मा याद से, स्मृति स्वरूप अवस्था से। और लास्ट
सर्वनाश या स्वर्ग। सर्वनाश ये मुरलियों में आता है, पैराग कैसा आएगा, स्वर्ग सर्वनाश का वो दृश्य सामने लाने हैं सारे। जिस घर में रहते हैं उसको क्या देखना है, खत्म हो रहा है, सब मरे हैं। विनाश को याद करते रहना है, बाप को याद करते रहना है, स्व को याद करते रहना है, पांचवा बताया स्मरण करते रहना है, किसको, चार चीजों को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चार चीजों का स्मरण, वैराग आएगा, उसके बाद स्थान, स्थान का चिंतन करना है, ऐसे स्थानों पर जाना है जहां वैराग आ जाए। इसके लिए बीच बीच में हॉस्पिटल में चक्कर लगाते रहना है, कोई पूछे तो बोलना ऐसे हमारा कोई रिश्तेदार था, बोल देना मिल नहीं रहा है। और वैराग आएगा, वीआईपी वार्ड्स में जाने से वैराग नहीं आता है, जनरल वार्ड में जाओ तो वैराग आएगा, सरकारी अस्पतालों में जाओ तो वैराग आएगा। बड़े बड़े सरकारी अस्पताल होते हैं ना, देखो कैसी व्यवस्था है, गायनी वार्ड में जाओ तो वैराग आएगा, बहुत ज्यादा वैराग आएगा। उसके बाद में उसके वैराग, हाँ ये हो गया ये, फिर उसके बाद में व्यक्ति, पर्सन्स, ऐसे लोगों का संग करना है जो वैरागी है। कहाँ मिलेंगे, जिसको हम कहेंगे सत्संग, एस से, वो है व्यक्ति के लिए सत्संग। ऐसे व्यक्ति ढूंढना है जो थोड़े वैरागी है, जिनकी प्रवृत्ति वैराग वाली है, उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज में हमको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, चीजों को जमा करने में, कोई कोई देखते हैं उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है चीजों को जमा करने में, हमको बहुत इंटरेस्ट है कुछ अगर मिल जाए, ये देखूं वो देखूं, उसको देखो तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है कहीं जाने में। वो कोई हमको मिल गया तो हम एकदम उसको अच्छे से रखते, वो देखते वो वहीं रखा हुआ है, उसको कोई हाथ लगाने की भी इंटरेस्ट नहीं है, देखने की भी, खोल के भी देखने की इंटरेस्ट नहीं है। कोई गिफ्ट मिला, वो गिफ्ट वैसा ही रखा हुआ है, खोल के भी नहीं देखा उसमें क्या है, और हमको तो इतनी बेचैनी होती है, क्या खुलू देखू क्या है क्या है। ऐसे व्यक्तियों का सत्संग। उसके बाद में स्थान हो गया, सत्संग हो गया, व्यक्ति। उसके बाद में दोष, आठ प्रकार के दोष है इंद्रियों सुखों में, और पहला बताया लिटरेचर स्वाध्याय, लिटरेचर की स्टडी करनी है, ये ऑक्टोपस है वैराग का। ऐसी चीजें पढ़ते रहना, ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते रहना, ऐसे ब्लॉग पढ़ते रहना, ऐसे इंटरनेट पर चीजें ढूंढते रहना कि जिसमें वैराग हो। टॉपिक्स ही ऐसे बोलना, वैराग कैसे लाए, टाइप करो, हजार चीजें आ जाएगी। किताबें लिखी हुई है बहुत सारी लोगों ने वैराग पर, भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत लिखी है, यहां तो ढूंढनी पड़ेगी, ज्ञान में ऐसी कोई किताब लिखी नहीं गई है, परंतु एकांत में बैठ के सोचना, विवेक, वो विवेक वाला वैराग चाहिए, शाश्वत वैराग चाहिए, मर्कट वैराग नहीं चाहिए। मर्कट वैराग पता है ना, एक होता है शमशानी वैराग, उसका दूसरा नाम है मर्कट, मर्कट अर्थात बंदर। बंदर को वैराग कैसे आता है, बंदर खेल रहे हैं, वहां पे एक मटका है और उसमें चने हैं, मटके का मुंह बहुत छोटा है, बहुत सारे मटके, एक बंदर जाता है मटके में हाथ डालता है और चने आ जाते हैं और पकड़ता है, और तब तक उधर से मालिक आता है, बहुत पिटाई करता है उसकी, और जब पिटाई होती रहती है सोचता है इसके बाद कभी भी मटके में हाथ नहीं डालूंगा, बहुत मार पड़ती है, और फिर मटका फूटता है बाहर आता है और मालिक चला जाता है, थोड़ी देर के बाद दूसरा मटका है, फिर से हाथ डालता है। यह है मर्कट वैराग्य। बाइबल में उदाहरण दिया है इससे भी पावरफुल, स्त्री का, गर्भवती स्त्री, जब बच्चे का जन्म होता है बहुत पेन होता है उसको, बहुत दर्द होता है, प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा बहुत, बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि जैसे मां को प्रसव पीड़ा में दर्द होता है और वो कहती है कि बस अभी नहीं चाहिए बच्चा, और बच्चा जब हो जाता है और फिर उसको फिर वापस इच्छा होती है अब दूसरा बच्चा चाहिए, जबकि पहला अनुभव था इतना दर्द हुआ था, फिर भी वैराग नहीं आया, फिर से वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इस तरह से ये आठ दोष है इंद्रिय सुखों के, और आठ मार्ग है वैराग लाने के, और अपने मन को एकाग्र करके बैठना है और सोचना है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा वैराग अंदर आ जाए। दादी कहती है ना, वैराग अर्थात अगर कोई विदेश जाए तो खाली हाथ लौट के आए,
वैराग्य की परिभाषा क्या है, कैसे समझेंगे? लोभ नहीं है, कोई जाए तो खाली हाथ ही लौट के आए, कुछ नहीं खरीदा, ना जूते खरीदे, ना जैकेट खरीदा, ना शर्ट, ना कुछ, ना किसी के लिए कुछ। ये है वैराग्य। कुछ भी नए स्थान पर जाने के बाद कुछ भी लेने की इच्छा ही नहीं है। 10 चीजें बनी हुई है खाने की, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है उसमें। अगर मिल जाए तो ठीक खा लू, नहीं मिल जाए तो भी ठीक। आज सूखी रोटी है, कल 56 प्रकार के भोग है तो है, नहीं तो नहीं। आज पुलाव है, कल सादा भात। कुछ भी हो जाए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। ओम शांति। ब्रह्म तेरी